The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So let's talk about pink eyes or conjunctivitis. So what is conjunctivitis and kya hota hai pink eyes? See, आपकी आँखों में there is something called conjunctiva. Conjunctiva यानी आँखों के काले काले के बगल में जो white white है, that clear layer of tissue lining the eyelid के नीचे, that is जो eyeball जो covering the white of the eye, the white area of the eye is called conjunctiva. एंड इस एरिया का इन्फ्लामेशन इस कंजंक्टिवाइटिस इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग इस कंजंक्टिवाइटिस सो क्यों होगा ये स्वेलिंग काइको कंजंक्टिवाइटिस स्वेलिंग कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शन सिंपल या फिर आँखों में किसी ने कोई इरिटेटिंग चीज स्प्रे कर दी तो भी कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगा या फिर आँखों में पानी नहीं आ रहा है ड्राई आईज जी हाँ Dry eyes will also lead to conjunctivitis and allergic reaction will also lead to conjunctivitis. So there are four reasons. So let's talk about the actual causes. See, number one thing which protects your eyes are your tears. Aansu aankhon ko bachate hain, aansu protect karte hain, wash away kar jate hain aapke dirt ko, germs ko, irritants ko. So, आंसू आना बहुत जरूरी है टीयर्स कंटेन प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज ऑल्सो आंसुओं में प्रोटीन भी होते हैं एंटीबॉडीज भी होते हैं जो कि जर्म्स को मार भी डालते हैं दे कैन किल जर्म्स एंड अगर आंख आपकी ड्राई हो गई तो जर्म्स इरिटेंट्स ज्यादा आसानी से आपको प्रॉब्लम कर देंगे और कंजंक्टिवाइटिस सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो कि वायरसेस या बैक्टीरियाज के वजह से आँख में होती है इसमें पिंक आई बोलने वाली जो चीज़ जिसको पिंक आई बोलते हैं ये होती है एक हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन जो कि बहुत आसानी से बच्चों में तो बहुत आसानी से फैल जाता है स्प्रेड्स अमंग चिल्ड्रन वेरी इजीली जब बच्चा पैदा होता है नया नवेला न्यू बॉर्न तब भी आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया इन द बर्थ कनाल फीमेल डिलीवरी के प्रोसेस में कभी कभी बच्चे की आँख में इन्फेक्शन हो सकता है एंड यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही वहीं हो जाता है किया जाता है और ज़रूरी होता है करना वरना बच्चे की आँख की विजन में प्रॉब्लम आ सकती है देन एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस भी होता है तो हमने देख लिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हो सकता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और हो सकता है एलर्जीज सो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है जब किसी एलर्जिक रिएक्शंस के वजह से चाहे वो पोलन ग्रेन्स के वजह से हो गर्मियों में एनिमल डेंगर मोल्ड्स या किसी भी एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस के वजह से हो जो आँख के पास या आँख में घुस गया उसके वजह से एलर्जी हो गई तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस उस वजह से होगा अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस देखा जाता है कई लोगों में लंबे समय तकने वाला कंजंक्टिवाइटिस जिनको किसी को अगर क्रोनिक एलर्जी है क्रोनिक अस्थमा है उन लोगों में लॉन्ग टर्म कंजंक्टिवाइटिस देखा जाता है इसको कई बार वर्नल कंजंक्टिवाइटिस भी बोला जाता है वर्नल कंजंक्टिवाइटिस एंड दिस इज मोस्ट कॉमन दिस ऑकर्स इन यंग मेन और यंग बॉयज गर्मियों के सीजन में क्योंकि गर्मियों में एलर्जिक सब्सटेंसेस हवा में धूल के साथ घूमते हैं ठंड में मॉइस्चर के साथ बैठ जाते हैं सो बिल्कुल ऐसी ही वर्नल कंजंक्टिवाइटिस एलर्जिक रिएक्शंस लंबे समय में बिना एलर्जी बिना अस्थमा के भी हो सकती है किसको लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने वालों को जी हाँ कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने वालों को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है और उस केस में हो सकता है आपका कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना बंद हो जाए सोच समझ के पहनिएगा फिर कोई भी चीज़ जो एलर्जी करेगी इरिटेट करेगी आँखों में वो कंजंक्टिवाइटिस कर सकती है बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें आ जाएंगे आपके सारे केमिकल्स
कोई भी स्मोक, कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस जिसको ओवर यूज़ किया आपने, ये सब इसमें आ जाएंगे कंजंक्टिवाइटिस में। अब क्या होगा अगर कंजंक्टिवाइटिस होगा? पहले तो यू कैन हैव ब्लर्ड विजन, देखने में दिक्कत, विजन ब्लर्ड हो सकती है। आई साइट, आईलिड जो है कई बार उसके ऊपर क्रस्ट फॉर्म कर सकते हैं, क्रस्ट फॉर्म हो सकते हैं आईलिड के ऊपर, आंखों में दर्द हो सकता है, आपको ग्रिटी फीलिंग हो सकती है, आंखें मलने का मन कर सकता है बार बार, आंखों का पानी बढ़ सकता है, इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, सेंसिटिविटी बढ़ सकती है लाइट से, ये सारी चीज़ें हो सकती है कंजंक्टिवाइटिस में। आंखों के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आंखों के डॉक्टर क्या करेंगे, चेक करेंगे आंखों को, कई बार ऊपर से स्वैब भी लेंगे जस्ट देखने के लिए कि इसमें बैक्टीरिया वायरस है ना, टेस्ट करने के लिए एक स्वैब भी लिया जा सकता है कंजंक्टिवा का। और ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है, इन्फेक्टिव है कि क्या है। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में एलर्जीज को ठीक करना पड़ेगा, एंटी एलर्जिक मेडिसिन और एलर्जी के ट्रिगर से दूर रहना पड़ेगा। कोल्ड कंप्रेसेस दे सकते हैं आँख में, कोल्ड कंप्रेसेस हेल्प करेंगे एलर्जी को सूद करने में। आई ड्रॉप्स एंटी हिस्टामिन्स के आते हैं एलर्जी कम करने वाले, और स्टीरॉइड वाले एंटी आई ड्रॉप्स भी आते हैं जो एलर्जी और ज़्यादा अच्छे से कम करते हैं, वो सिवियर केसेस में दिए जाते हैं, हर एक को नहीं। और अगर ये एलर्जिक नहीं है तो इसका कोई काम नहीं। फिर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं अगर वो बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो आई ड्रॉप्स के फॉर्म पे एंटीबायोटिक्स आता है। और वायरल कंजंक्टिवाइटिस को कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, कछु नहीं होता है। मंजे वायरल कंजंक्टिवाइटिस में कुछ नहीं चाहिए, कोई दवाई नहीं, कोई एंटीबायोटिक नहीं। अगर बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है तो माइल्ड स्टीरॉयड के आई ड्रॉप्स डाल देंगे तो डिस्कम्फर्ट बेटर हो जाएगा, आप देख पाओगे, जी पाओगे जब तक वो अपने आप नहीं जा रहा। एंड लास्टली, इफ योर आईज आर ड्राई आईज है तो आर्टिफिशियल टीयर्स यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स, टीयर ड्रॉप्स, वट एवर यू कॉल इट, बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, ड्रॉप्स डाल सकते हैं दिन में 2-4 बार, एंड उसके साथ बाकी के सारे ट्रीटमेंट यूज किए जा सकते हैं। आईलिड के ऊपर अगर क्रस्टीनेस हो रहा है तो गर्म कंप्रेसेस करें, वार्म कंप्रेसन करें, और उसमें जेंटली जस्ट प्रेस अ क्लीन सोक्ड क्लॉथ इन वार्म वाटर टू योर क्लोज्ड आईलिड, दैट्स इट, जेंटली जस्ट प्रेस दैट, वो करना है राइट, वो लेके। सो और क्या कर सकते हैं, कुछ और स्टेप्स, स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप सेकेंड हैंड स्मोक, डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, एयर कंडीशनिंग भी एक्चुअली इज नॉट गुड फॉर द आईज, मेक्स इट ड्राई, ये सब करिए टू मेक इट बेटर। ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हो विंटर में, और मेडिसिंस जो आपकी आंखें ड्राई करती हैं या सिम्टम्स बढ़ाती हैं उनको ना लें, या डॉक्टर से बात करें, कोई और डायबिटीज इधर उधर की दवाई कोई ले रहे होंगे तो उनसे बात करें। और आई लैशेस को रेगुलरली अप्लाई करें और रेगुलरली देखें कंप्रेशन में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई लैशेस को वॉश करें रेगुलरली, क्लीन करें, और वार्म कंप्रेसेस अप्लाई कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मोस्ट ऑफन अर्ली एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, और वायरल कंजंक्टिवाइटिस पिंक आए अपने आप ठीक होता है, लेकिन धकाधक फैल सकता है क्लासरूम में, हाउस होल्ड में, सो द पर्सन नीड्स टू गो होम, रेस्ट, रिलैक्स, दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट नीडेड राइट। सो गो टू अ डॉक्टर अगर आँख लाल है, विजन प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी है, आँख में दर्द हो रहा है, पानी ज़्यादा आ रहा है, हेडेक हो रहा है, 3 से ज़्यादा दिन हो गया तो फिर। और प्रिवेंशन के लिए भाई साहब, अपने आई मेकअप को दूसरे के साथ शेयर ना करें, पिलो केवर्स कवर्स शेयर ना करें, टॉवल हैंकरचिफ शेयर ना करें, कॉन्टैक्ट लेंसेज को अच्छे से हैंडल करें, हैंड्स को आँखों में, आँखों से दूर रखें, और हाथ को रोज़ाना अच्छे से धोएं। इतना करेंगे तो कंजंक्टिवाइटिस फैलेगा नहीं राइट। थैंक यू सो मच। सो